बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो रही और रहेला। सबसे पहले रौरमन कर नवा साल कर मुबारकबाद बधाई। और ये मुबारकबाद है कि रौरमन कर प्यार बनल रहे ताकि कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से रौरमन के नवा नवा जानकारी हम देते रह। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती। कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना देगी खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। मटर की फसल को फली छेदक कीट से बचाएं। ओपन मिल समर सेवल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा और उत्पादन के लिए बाजार भी मुहैया कराने का प्रावधान है। मटर की फसल में इन दिनों फली छेदक का प्रकोप लगने की संभावना रहती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फली छेदक मटर के फलियों को खा जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए स्पाइनोशॉट नामक दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, परंतु दवा का छिड़काव उचित मात्रा में और सावधानी पूर्वक करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। बेहतर फसल उत्पादन के लिए खेत की प्रकृति के अनुसार बीजों का चयन करना अच्छा होता है। हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय में यदि किसान अभी गेहूं लगाना चाहते हैं तो उनके लिए गेहूं की K9107, बिरसा गेहूं 3, HI 15, DBW 397 किस्म बेहतर साबित होंगे। गेहूं के ये प्रभेद झारखंड की भूमि एवं वातावरण में अच्छी उपज देने में सक्षम है। K9107, बिरसा गेहूं 3, HI 15, DBW 397 ये गेहूं के उन्नत प्रभेद में बेहतर होते हैं। ये प्रभेद विलंब से बुआई योग्य भी होती है। ये प्रभेद बुआई के 110 से 130 दिनों में तैयार हो जाते हैं। 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 50 से 60 क्विंटल गेहूं की उपज पाई जा सकती है। रबी के मौसम में सब्जी की खेती हमारे राज्य में लगभग हर क्षेत्र में होती है। सब्जी की फसलों में एक समस्या होती है मुरझा रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। उपचारित बीजों की बुआई करने से फसल में रोगों और कीटों से लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। खेती बारी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समर सेवल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समर सेवल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका साथ ही बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं।
अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरोमन तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम के बारे में और मंडी भाव के बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिललक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरोमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोरोमन के एक बार फिर स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है कि गेहूं कर खेती कर वैज्ञानिक खेती कैसे करल जाए और सामायिक कृषि कार्य कर के बारे में। तो किसान भाई बहन मन, रोरोमन गेहूं कर खेती करी ला और गेहूं कर खेती बहुत महत्वपूर्ण खेती है, मकिल इकर वैज्ञानिक खेती कैसे करल जाए इकर बारे में जानकारी। तो चलू रोरोमन के फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवा थी। वैसे तो गेहूं की खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जल निकासी और सिंचाई के उचित प्रबंधन से मटियार और रेतीली मिट्टी में भी गेहूं की खेती की जा सकती है।
कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप गेहूं की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं और साथ ही सामयिक खेती भी चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपको गेहूं की तमाम बारीकी का ध्यान रहे, मसलन खेतों के स्वभाव से लेकर खेतों के पीएच मान तक का ख्याल रहे, सिंचाई का प्रबंधन हो, तमाम चीजों की जो बुनियादी जरूरत है वो पूर्ति हो। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गेहूं की वैज्ञानिक खेती एवं समसामयिक कार्य हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि चूँकि इस बार जो स्थिति रही है बरसात थोड़ा सा लेट से शुरू हुआ है 15 अगस्त के बाद, तो हमारे बहुत सारे किसान भाई धान का रोपनी भी नहीं कर पाए अच्छा से, तो लेकिन जो भी किए उनके पास तो कुछ ना कुछ उत्पादन हुआ। इसके अब गेहूं के परिप्रेक्ष्य में हम तैयारी की बात करने जा रहे हैं। गेहूं की खेती के लिए उसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, उसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था हो, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जो है असिंचित अवस्था में भी गेहूँ की पैदावार हो जाती, लेकिन जिस हिसाब से हमारे किसानों का मेहनत और जो है पैसा लगता है उस हिसाब से उनको आमदनी नहीं हो पाती, इसलिए जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो वहीं पर हमारे किसान भाई वैसा खेत का वैसा क्षेत्र का चुनाव करें। वहाँ पहले तो क्षेत्र के चुनाव की बात हो गई, दोबारा खेत की तैयारी के लिए हम बात करते हैं। अभी धान की कटनी भी हो गई है और जो खेत उनका मतलब पानी एक नंबर का खेत जहाँ पर पानी खेत में अभी भी नमी हाल होगा उसकी जुताई के लिए पहला अगर जुताई की बात करते हैं तो उन्हें मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। मिट्टी पलट हल से जुताई करने के बाद जो नीचे जड़े उड़े रहती हैं वो ऊपर आ जाती हैं और फिर उसके बाद उन्हें पाटा लगा करके यदि उनके पास बैल की व्यवस्था हो तो बैल से जुताई करें, अगर बैल के नहीं है तो ट्रैक्टर से, यदि आधुनिक खेती हो रही है तो ट्रैक्टर से कल्टीवेटर के द्वारा जुताई करके उन्हें रोटावेटर से जुताई करके अपना पाटा लगा। गेहूँ की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 अच्छा माना जाता है। ऐसी भूमि जिसमें जल जमाव होता हो इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आमतौर पर गेहूं की फसल के साथ साथ हम आलू की खेती भी करते हैं, साथ में सरसों और दलहन की दूसरी फसल भी उपजाते हैं। अंतिम जुताई से पहले उन्हें जो है उनके गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद जो है ताजा गोबर कभी नहीं देना चाहिए। हमारे कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि वो ताज़ा गोबर जो 10 दिन से रखा हुआ है उसको ले जाकर खेत में डाल देते हैं, तो उसका उपरांत उन्हें क्या होता है कि उनको परेशानी बाद में दिया लगने लगता है, दीमक लगने लगता है, तो जो बीज बोते हैं उस दिया खाने लगता है बीज, तो इससे उनका नुकसान होता है। तो जो उनको गोबर का खाद सड़ा हुआ देना है अंतिम जुताई के पहले दे करके जुताई करके पूरा मिला देना चाहिए, मिलाने के बाद ही उनको उनका खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद उन्हें खाद एवं उर्वरक, खाद की बात तो कर दिए लेकिन उर्वरक की हम बात करते हैं, उर्वरक की कैसी व्यवस्था उनके पास होनी चाहिए। उर्वरक की 3 प्रकार से हमारे किसान भाइयों को व्यवस्था करना पड़ेगा। यदि वो सिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करते हैं तो उनको 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा आवश्यकता होती है। अगर समय से बुआई की बात करते हैं तो, यदि विलंब से बुआई की बात करते हैं तो उनको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। जानकार कहते हैं कि किसी भी फसल से अच्छी पैदावार के लिए भूमि की अच्छी तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल यानी कि मोल्ड बोर्ड या डिस्क हैरो से करनी चाहिए। गेहूं की खेती को आसान बनाने के लिए बाजार में कई तरह की मशीनें उपलब्ध है जो गेहूं की खेती की बुआई से लेकर कटाई तक का कार्य आसानी से करती है। यदि हमारे किसान भाइयों को असिंचित दशा का मतलब वर्षा आधारित, वर्षा में कुछ एक आध दो पानी अभी मतलब ठंडा में गिर जाता है तो उससे भी काम हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें हमारे किसान भाई जहाँ एकदम पानी की व्यवस्था ना हो वहाँ से वो वह इसका मतलब गेहूं की खेती थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि उनका अंत में नुकसान हो जाता है। अब तीसरी बात पर आते हैं हम, बीज का चुनाव। बीज का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बीज का चुनाव यदि वो ठीक से नहीं करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। बीज का चुनाव करने के लिए जैसे यदि वो समय से बुआई का अर्थ ये होता है कि
नवंबर का दूसरा पखवाड़ा, नवंबर का दूसरा पखवाड़ा मतलब 15 नवंबर से 30 नवंबर तक यदि उनको बुआई करना है, उनके लिए प्रजाति का चयन के लिए हम सलाह देते हैं कि K1006 और बिरसा गेहूँ 3 K0307 इस प्रजाति का चयन करके वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ये शर्त यही है कि उनके पास सिंचाई की व्यवस्था हो और वो जो है समय से बुआई नवंबर के अंदर कर दें। कृषि जानकार कहते हैं कि अगर आप गेहूं की अच्छी खेती चाहते हैं तो गेहूं के बीज का उपचार यानी कि बीजोपचार बहुत जरूरी है। गेहूं की बुआई से पहले इसके बीजों को उपचारित करना काफी अच्छा रहता है। उपचारित बीज से बीज जनित रोग होने का भय नहीं रहता है और अंकुरण भी अच्छा होता है। बीज को उपचारित करने के लिए बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम मैंकोजेब या टेबुकोनोजोल 1 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करना चाहिए। यदि हमारे किसान भाई विलंब से बुआई करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रजाति बिरसा गेहूं चार बहुत अच्छी ही प्रजाति है, लगभग जो विलंब से बुआई कर सकते हैं। विलंब से बुआई करने का मतलब दिसंबर का प्रथम पखवाड़ा, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बुआई वो कर सकते हैं। उसमें बिरसा गेहूँ 3 का उपयोग कर सकते हैं। इसका उत्पादन लगभग 45 से 52 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, लेकिन उनके पास समुचित सिंचाई की व्यवस्था हो। तीसरी बात हम करते हैं कि यदि उनके पास सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है, 1 पानी ही दे सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना है, उनके लिए प्रजाति का चयन करना है K13-17 और या इसके अलावा भी एक प्रजाति है SD-31-71, इस प्रजाति का चयन करके असिंचित दशा में भी वो कर सकते हैं, लेकिन उनको 1-2 पानी की व्यवस्था हो तभी वो इस भी प्रजाति का चयन करें। कहा तो जाता है कि उत्पादन हो जाता है, लेकिन अंत में क्या होता है, जब बाली निकलने का समय होता है, दूधिया अवस्था में होता है, उस समय मार्च में गर्म हवा चलने लगता है और बालियाँ सूख जाती हैं। इसलिए हम किसान भाइयों को एज ए वैज्ञानिक यही सलाह देंगे कि उनके पास इस पानी की व्यवस्था हो तभी गेहूँ की खेती करने का मतलब वो करें। तो देखो ये गेहूं कर खेती के बारे में वैज्ञानिक खेती कर बारे जान के रोड में कैसा लग बेस है नहीं। तो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाते दूसरा जानकारी को, दूसरा जानकारी है वो बहुत सुंदर है कि आम में जो मंजर लगेला उकर में कीट प्रबंधन कैसे करल जाए, ये हर किसान भाई बहन में इनके जानना बहुत जरूरी है। तो चलो कीट प्रबंधन कर बारे में हम सीधे रौरम के लेके चला थी, हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा थी। कार्यक्रम के इस भाग में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आम के मंजर में कीट प्रबंधन कैसे की जाती है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में उपस्थित हैं और आज हमारे सामने डॉक्टर यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मजीत खैरवार जी उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो सर ये किसान भाई जानना चाहेंगे कि आम के मंजर में जो कीट लगती है उसका कीट प्रबंधन कैसे करें। आम के पौधे में जो मुख्य कीट लगते हैं उनमें है मिलीबग, जिसको हम लोग गुजिया कीट बोलते हैं। ये कीट रुई नुमा संरचना बनाकर अपने शरीर को सफ़ेद रंग के जैसे आपको ढका हुआ दिखाई देगा, जिसको आसानी से हम पहचान सकते हैं। ये कीट पुष्प मंजर का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, बौर सूख जाते हैं और फल नहीं बनता है। तो इसका प्रबंधन हम लोग करेंगे, सबसे पहले मानसून के बाद अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो उसके में जो अंडे हैं वो मर जाएंगे। उसके अलावा अभी नवंबर दिसंबर के महीने में एक 25 सेंटीमीटर चौड़ी प्लास्टिक का सीट लेंगे, जिसको हम सुतली से तना में, आम के तना में 30-40 सेंटीमीटर ऊपर बांध देंगे और नीचे वाला भाग में हम ग्रीस लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो गुजिया है, मिलीबग है, वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में कि मिथाइल पराथियन का 2% चूर्ण अगर हम तने के आसपास मिट्टी में मिला दें तो अंडे से निकलने वाले बच्चे को हम मार सकते हैं।
और अगर ये कीट पेड़ पर चढ़ गए हो तो जो दवा है प्रोपेनोफॉस और डाइमिथॉइड, इन दोनों में से किन्हीं एक दवाओं का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं और प्रभावित भाग को हम काट के हटा सकते हैं, जला सकते हैं। ये इसके बाद जो यह मुख्य कीट है वो है हॉपर, जिसको हम लोग फुदका बोलते हैं। ये कीट बच्चा और वयस्क आम के मंजर को चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, पुष्प सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, इसे फल नहीं बन पाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, इसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे, अगस्त के महीने में अगर हम नियमित कटाई छटाई करके सेंट्रल ओपनिंग करते हैं तो इसको रोकने में मदद मिलती है। उसके अलावा जो बगीचा है और जो घना है तो पौधों के घनापन को हम लोग कटाई छटाई के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करें तो फिप्रोनिल हो गया या स्पाइनोसेड हो गया, इसका हम लोग 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। और यदि थोड़ा प्रकोप ज़्यादा हो गया हो तो हम क्या करेंगे, फूल आने से पहले 2 ml प्रति लीटर क्विनोल फॉस का छिड़काव करेंगे और फूल आने के बाद साइपरमेथ्रिन दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे और फूल लगने के दौरान हम लोग कोई दवा का छिड़काव नहीं करेंगे। और जब फल बन जाएगा तो 1.5 ml प्रति लीटर इमिडाक्लोप्रिड एक दवा आती है उसका हम लोग 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करेंगे और समय समय पर हम बगीचे की देख रेख और साफ सफाई करते रहेंगे। उसके बाद में अगला मुख्य कीट है थ्रिप्स, जिसको हम लोग तेला बोलते हैं। थ्रिप्स बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जिसको हम लोग सफ़ेद कागज को यदि हम पुष्प के पास ले जाएंगे और उसको हिलाएंगे झाड़ेंगे तो वहाँ पर आपको थ्रिप्स आपको तेला दिखेगा झड़ते हुए। तो इसके नियंत्रण के लिए भी हमें बागों की अच्छे से देख रेख करनी पड़ेगी। नीम आधारित कीटनाशी जैसे नीम ऑयल का हम छिड़काव कर सकते हैं और अगर 50% पुष्पावस्था में है हमारा फूल तो हम कोई भी कीटनाशी जैसे स्पाइनोसेड हो गया, फिप्रोनिल हो गया, इसको हम लोग 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब 100% फल बन जाए तब हम दोबारा इन कीटनाशी को छिड़क सकते हैं। उसके अलावा एक आम का कीट है मिजेस बोलते हैं उसको, मैंगो पुष्प मिज। तो ये क्या करता है कि पुष्प में जब आक्रमण करता है तो उसके बाद में आप देखेंगे कि वहाँ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और अगर फल के छोटे छोटे डंठियों में लगा है तो डंठल टेढ़े पड़ जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रभावित भाग है डंठल सहित काट के हटा देंगे, नहीं तो हम बेहतर हो कि उसको जला दें, नहीं तो हम कोई कीटनाशी जैसे डाइमेथोएट हुआ उसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के घोल में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सब तरीकों से हम आम के बगीचों को उस मंजर में होने वाले कीट से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं कि आम के पेड़ों में मंजर में जो कीट प्रबंधन के बारे में, संक्षेप में बताइए कि आम के मंजर में अगर कीट लगता है तो किस तरह का नुकसान किसानों को झेलना पड़ सकता है और ये जो कीट प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं, रासायनिक दवा के छिड़काव के बारे में बता रहे हैं, वो मंजर निकलने से पहले करना चाहिए या बाद में? अगर पुष्पावस्था में ही कीट का आक्रमण हो जाएगा तो हमें दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि पुष्प सूख जाएंगे या झड़ जाएंगे। लेकिन दवा का छिड़काव करने के लिए, कीटों को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्यान देना है कि या तो पुष्पावस्था के शुरुआती में नहीं तो बाद में
इसका छिड़काव करें तो अच्छा होगा। पुष्पा अवस्था के दौरान इसके दवा का रासायनिक दवा का छिड़काव करने से हमें बचना चाहिए। तो बताओ आज कल जो दुई जानकारी रोक मिललक कैसन मिललक, बेस है नहीं? अरे भाई इसने बेस बेस जानकारी लाइन के देवी ला और मन से कही ला कि अगर रोटीन को जानकारी है तो हमके दे और हमसे कोई जानकारी चाहिए तो ले, मगर चिट्ठी कर आदान प्रदान करे के वास्ते पता जरूरी है ना, तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रात रोड रांची मकिल, पिन कोड संख्या जरूर लिखब, पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोर में इजाजत दू मकिल यह दीना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाजत दू, नमस्कार जोहार। हम भी जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन, कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।